जब तक नीचे का जो भ्रष्टाचार है वो खत्म नहीं होगा। सही बात, सही बात। कोई नहीं। आपने कभी सोचा है कि कोई छोटा सा लड़का जो पांचवी क्लास में पढ़ता हो और पांचवी क्लास के बच्चों को पढ़ाता भी हो? जी हाँ, ये कमाल करके दिखाया है नालंदा वाले सोनू ने। आपने सोनू की चर्चाएं तो सुनी होगी, उनकी बातें भी सुनी होगी, अब आप उनकी ये खासियत भी सुनते जाइए। जब आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं और जब उनसे बातें करते हैं तो पता चलता है कि सोनू खुद पांचवी क्लास में पढ़ता भी है और एक से पांचवी क्लास के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता है। यह आश्चर्यजनक बात है। और साथ ही साथ वो अरविंद केजरीवाल से सरकारी स्कूल के बारे में क्या गुहार लगा रहा है, आप ये भी सुनते जाइए। पढ़ा लेते हो छोटे? फाइव क्लास तक ये ट्यूशन भी पढ़ा लेते? खुद फाइव में पढ़ता भी है। खुद फाइव में पढ़ता भी और ट्यूशन भी पढ़ा। स्विमिंग पूल तक की व्यवस्था है और उसका पास परसेंटेज 99.9% है। तो आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली सरकार आपकी मदद करे या फिर वैसा सरकार बिहार में भी आया और वैसा सरकार बिहार में और हमको उस जो है वहाँ पर स्कूल है उसमें हमको नामांकन मिल जाए कि यही स्कूल को और बेहतर कर दिया जाए। यहाँ पर अगर कितनो कुछ करेंगे तो कभी भी बिहार सूखेगा। जब तक नीचे का जो भ्रष्टाचार है वो खत्म नहीं होगा। सही बात, सही बात। कोई नहीं कुछ कर सकता। इसलिए माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो कृपया वो आप वही उनके पास शिक्षा व्यवस्था की मेरी तैयारी कर दें और बस केवल अगले नवोदय के परीक्षा तक के बस केवल उनसे विनती है कि वो केवल हमको काम और हमको बिहार सरकार भी काम कर रही है लेकिन अगर वो ऐसा बात मैंने वहाँ सा है तो उनसे भी हेल्प लेना चाहिए क्योंकि दुनिया में हम लोग एक दूसरे के साथी। और एक बार और बताते चलें कि कुछ लोग ये कहेंगे कि हम इस बच्चे के साथ राजनीति करने आए, तो हम इस बच्चे के साथ राजनीति करने नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था के साथ राजनीति करने आए हैं। अगर 20 साल पहले भी शिक्षा पे अगर राजनीति होती, स्कूल बेहतर होता, तो सोनू कुमार जैसे बच्चों को नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़कर यह कहना नहीं पड़ता कि मुझे पढ़ने के लिए हिम्मत दिया जाए। तो हम सभी लोग से कहना चाहते हैं कि शिक्षा पे राजनीति करिए और ऐसे सोनू कुमार को ऑटोमेटिक अच्छे सरकारी स्कूल में एडमिशन हो जाए, इसके लिए लड़ाई लड़ते रहिए। धन्यवाद। तो आपने सोनू को सुना, आप ये सुनकर चौंके होंगे कि ये छोटा सा बच्चा जो खुद पांचवी क्लास में पढ़ता है कैसे पांचवी क्लास के बच्चों को पढ़ाता भी है, साथ ही साथ वो गुहार भी लगा रहा है नवोदय की परीक्षा के लिए और खासकर अरविंद केजरीवाल से गुहार लगाते हुए नजर आ रहा है कि जैसे दिल्ली में सरकारी स्कूल की व्यवस्था है वैसे बिहार में भी कर दी जाए, उनकी ये मांग है। हालांकि बिहार सरकार की भी बातें वो कह रहा है कि यहाँ पे कितनी भी स्कूल व्यवस्था बेहतर की जाएगी जब तक निचले तबके से भ्रष्टाचारी खत्म नहीं होगी, निचले स्तर के जो लोग हैं, जो जमीनी स्तर के लोग हैं, अगर उनमें भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, वो लोग सही नहीं होंगे, तब तक शिक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये सोनू ने कहीं ना कहीं सच्ची और बड़ी बातें कही है कि जब तक नीचे से शुरुआत नहीं होगी, जब तक नीचे से एक अच्छी पहल की शुरुआत नहीं होगी, तब तक ऊपर कुछ नहीं बदल सकता। हालांकि उसे ये भी उम्मीद है कि यहाँ पे काम सही नहीं होने वाला, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल से भी गुहार लगाते हुए नजर आ रहा है। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि क्या सोनू की ये जो मांग है, अरविंद केजरीवाल इस पे क्या रिएक्शन देते हैं और क्या कुछ होता है आगे, हम आपको वो भी अपडेट करते रहेंगे। आप देख रहे हैं बीआरडी रिसोर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।